हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूसी लाइव चैनल। जैसा कि हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, मैथ में हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमने कुछ होमवर्क दिया था जिसको हम लोग आज करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये किया भी होगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.051 × 0.051 × 0.051 तीन बार है, तो मतलब क्या हो गया, ये ए क्यू हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इधर से यहाँ ध्यान दें, ये क्या हो गया, प्लस बी क्यू हो गया, प्लस क्या हो गया, बी क्यू हो गया ना, तीन बार भी सेम नंबर है, 0.041 0.041 0.041, ठीक है। ये तीन बार है, क्या होता है फिर, क्या दिया गया है नीचे, ए स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो क्या होता है जब भी हम लोग होते हैं इस कंडीशन में, क्या होता है हमारा, क्या आता है, क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो बस वही कर देना है, ए प्लस बी कर देना है। तो ए कितना है 0.051 और बी कितना है 0.041, इसको ऐड कर देना है, ऐड कर देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो क्या होगा 0.092, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है। समझ में आया कैसे किए, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखेंगे, क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया गया, 12 दिया गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दिया गया, 52 दिया गया है, ठीक है, सही बात है। तो क्या बोल रहा है आगे निकालने के लिए, ए बी बी सी सी ए का वैल्यू निकालना है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्या वैल्यू होगा, इस चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान देना है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला देखते हैं, फार्मूला होता है क्या होता है, एक फार्मूला कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, ठीक है, ध्यान देना है। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। बस अब क्या करना है, इस पर इस बैठा देना है, बैठाएंगे क्या दिया गया, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया गया, 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर आगे चलेंगे, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू देख रहे हैं क्या दिया, 52 दिया गया, क्या हो गया, 52 हो गया, प्लस क्या हो गया, 2 × अब ध्यान देना, निकालना क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ध्यान दे रहे हैं, अगर इतना वैल्यू एक्स मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्या जाएगा, 2 × 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसको एक्स मान लिए कि हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, 2x हो गया। इसको सोल्व करेंगे, अब सोल्व करेंगे क्या जाएगा, 144, इसको 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, माइनस क्या करेंगे, 52 करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, होगा, इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना जाएगा, 96 होगा, ठीक है, 96 हो जाएगा, बराबर क्या जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 92 होगा, ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 92/2 हो जाएगा, क्या जाएगा, 46 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्या बोल रहा है, a बराबर √5 + 1 / √5 - 1, इधर से बी बराबर क्या दिया गया, √5 - 1 / √5 + 1, इधर से वैल्यू किसका निकालना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका निकालना है, ध्यान देते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बाय क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान देना है। आगे चलते हैं, अब ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में क्या ए बी है, पर हमें क्या चाहिए, यहाँ 2ab चाहिए, तभी तो फॉर्मूला बनेगा ना, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, 2ab चाहिए, तो 2ab बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ab को जोड़ देंगे, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, एक ए बी को जोड़े हैं तो एक ए बी हमको घटाना भी तो पड़ेगा ना, ताकि इस इक्वेशन पर फर्क ना पड़े, इस नंबर पर फर्क ना पड़े, करेंगे वेटिंग से, यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर भी है, माइनस में क्या चाहिए था, 2ab चाहिए था, पर एक ही है माइनस में ए बी, तो एक माइनस ए बी में लिख देते हैं, जोड़ देते हैं, उधर से फिर एक और घट मतलब जोड़ देंगे प्लस में ए बी, ताकि इसमें इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, तो इसको करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, ध्यान देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी होगा, और बाई क्या हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया,
अब क्या करना है, ए और बी का वैल्यू पुट करते चले जाना है। ए का वैल्यू कितना दिया गया है ध्यान देगा, रूट फाइव माइनस प्लस वन बाई रूट फाइव माइनस वन, फिर क्या है प्लस रूट फाइव माइनस वन बाई रूट फाइव प्लस वन, ये हमारा ए हो गया। इसका माइनस क्या है, ए बी है, ध्यान देंगे ए कितना है रूट फाइव प्लस वन रूट फाइव माइनस वन, फिर मल्टीप्लाई करेंगे रूट फाइव माइनस वन रूट फाइव प्लस वन बाई क्या हो गया, उसी तरह से ये भी करेंगे रूट अंडर फाइव प्लस वन बाई रूट अंडर फाइव माइनस वन। ये हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं, तो चाहे तो एक सेकेंड में ये बन जाता, ठीक है एक मिनट में ये अंदर में बन जाता, क्या करते हैं फटाफट उसको हम लोग एक बार में लास्ट में देखेंगे। ठीक है आगे हम लोग पहले चलते हैं, एक ऐसे इसको और हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं, तो ये हमें पहले मेथड पता हो तो हम लोग शॉर्ट में आसानी से बना सकते हैं, पहले मेथड हमें पता करना है। अब ध्यान दे रहे क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस ए बी हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ए बी हो गया। अब ध्यान दे रहे इसको सॉल्व करेंगे तब ध्यान देंगे इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ध्यान देना है यहाँ एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा हमारा, आगे चलते हैं इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ ध्यान देना इसका एलसीएम लेंगे तो फोर आ जाएगा। ठीक है क्या है इसका एलसीएम लेंगे तो ए सेम लिखाता है ना, मल्टीप्लाई क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो चार आ जाएगा, डायरेक्ट हमने लिख दिया वो ढंग से, इसको सॉल्व करेंगे फिर एलसीएम आ गया, फिर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड करते मल्टी ये कर रहा था इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया यहाँ सिक्स रूट फाइव हो जाएगा, सिक्स प्लस टू रूट फाइव, ढंग से ये कितना हो जाएगा वैल्यू सिक्स माइनस टू रूट फाइव हो जाएगा। ठीक है इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ध्यान दे रहे ये क्या हो जाएगा हमारा, यह सारा कट जाएगा यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो क्या जाएगा माइनस वन आ जाएगा वैल्यू, उसी ढंग से यहाँ भी हो जाएगा हमारा क्या जाएगा सिक्स प्लस टू रूट टू टू रूट फाइव, अब माइनस का जगह सिक्स प्लस टू रूट फाइव सेम नंबर था तो हमने यहाँ पर किया था तो वही हमारे यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ प्लस था तो हमारे यहाँ प्लस रह गया, या माइनस था तो माइनस वाला प्लस हो जाता है प्लस वाला माइनस हो जाता है। ठीक है ये क्या हो गया वन हो गया। अब ध्यान देंगे ये देख रहे हैं टू रूट फाइव से टू रूट फाइव कट जाएगा, ठीक है यहाँ भी देख रहे हैं छः से ये छः कट गया यहाँ इतना हो गया। अब ध्यान दे रहे हैं इसको जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे क्या होगा छः छः बारह, बारह में चार से भागा देंगे क्या जाएगा तीन हो जाएगा, मतलब तीन का स्क्वायर हो गया, तीन का स्क्वायर माइनस वन मतलब क्या हो गया आठ हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ढंग से यहाँ देखेंगे क्या टू रूट फाइव प्लस टू रूट फाइव मतलब फोर रूट फाइव, मतलब फोर से फोर कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ रूट फाइव बचेगा, तो रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा फाइव हो जाएगा, और फाइव अब प्लस वन करेंगे क्या जाएगा सिक्स हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। ठीक है समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो आप हमें बोल सकते हैं। ठीक है जिनको को भी पीडीएफ चाहिए ठीक है तो वो हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जिनके लिए कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया गया है उसमें आप लोग हम भेज सकते हैं ताकि उसे हम लोग सॉल्व कर पाएँ किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है आगे चलते हैं, आगे देते आगे हमारा नेक्स्ट टाइप हो गया। ठीक है नेक्स्ट टाइप क्या है इस तरह के देखेंगे, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, क्या दिया गया है वन बाई वन इंटू वन 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 इंटू टू प्लस क्या है वन बाई वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस क्या है वन बाई थ्री इंटू फोर प्लस क्या है वन बाई फोर इंटू फाइव प्लस क्या है वन बाई फाइव इंटू सिक्स डॉट 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 प्लस वन बाई नाइन इंटू टेन, ध्यान देना है ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होगा, इसमें आपको पैटर्न दिख रहा होगा, पैटर्न क्या दिख रहा है ध्यान देना है क्या है कि जहाँ ये नंबर खत्म हो रहे हैं वहीं से ये नंबर शुरू हो रहे हैं। ठीक है जहाँ ये नंबर खत्म होंगे वहीं से ये नंबर शुरू होंगे, जहाँ ये नंबर खत्म हो रहे हैं वहीं से नंबर शुरू होंगे, इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो ध्यान देना है जहाँ नंबर जो शुरू हो रहा है वहीं से खत्म, जहाँ खत्म हो रहा है वहीं शुरू होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई के रूप में होना चाहिए, ध्यान देना ऐसा नहीं कर दें तो चला कि वन बाई टू और प्लस क्या कर दें फिर वन बाई टू, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ध्यान देना है ये मल्टीप्लाई के रूप में ही होना चाहिए। ठीक है जब मल्टीप्लाई के रूप में हो ध्यान देना है और बढ़ते चले, ध्यान देना है जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहीं शुरू होना चाहिए, जहाँ ये खत्म हो रहा था वहीं शुरू होना चाहिए, तो इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला होता है हम लोग का ट्रिक है, क्या ट्रिक है ध्यान देना है क्या करते हैं कि जब हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या करते हैं हमारा फर्स्ट टर्म हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट टर्म
माइनस क्या करते हैं, लास्ट टर्म बाय डिफरेंस ऑफ टर्म, मतलब कि पहला पद माइनस करते हैं अंतिम पद, अब पदों का अंतर करते हैं, देखेंगे, ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे, यहां हमारा पहला टर्म कौन सा हो गया, पहला पद कौन सा हो गया, ध्यान देंगे, वन है, यहां क्या है हमारा वन है, वन टू नहीं है, क्या है वन है, उसी तरह से हमारा लास्ट टर्म कौन सा है हमारा टेन है, तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा वन बाई वन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, वन बाई वन होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, उसी तरह से क्या करना था माइनस करना था, लास्ट टर्म करना था, ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन बाई टेन हो जाएगा, ठीक है, बाई क्या करना है बोल रहा है डिफरेंस ऑफ टर्म, मतलब पदों का अंतर करना है, देखें यहाँ निचले पद देखना है कितने के अंतर है, ठीक है, उसी पर ध्यान देना है, तो कितना एक से दो है, मतलब कि एक का अंतर है, क्या करेंगे बाई एक करेंगे, ठीक है, सो बस सोल्व कर देना है, सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा इसका टेन एलसीएम होगा, जो करेंगे क्या जाएगा नाइन बाई टेन हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है सी नंबर है, ठीक है, कैसे करेंगे समझ में आया, आगे चलते और भी समझ में आएगा, इससे नहीं समझ में आया तो आगे देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इस तरह का बोल रहा है वन बाई फिफ्टीन प्लस वन बाई थर्टी फाइव प्लस वन बाई सिक्सटी थ्री प्लस वन बाई नाइनटी नाइन प्लस वन बाई फोर्टी थ्री, इस तरह क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तब ध्यान देना है, इस तरह क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने चले गए, फ्रैक्शन वाले ऐड को जोड़ने चले गए, तो क्या हो जाएगा काफ़ी हमें लंबे समय लग सकते हैं, प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक पैटर्न हमें मिलेगा, ठीक है, उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, अब देखेंगे ध्यान देंगे, जैसे क्या वन बाई फिफ्टीन है तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री इन वन बाई थ्री इंटू फाइव, ये लिख सकते हैं, फिर से ढंग से देख रहे हैं पैंतीस है तो हम लिख सकते हैं ना फाइव इंटू सेवन, वही ढंग से तिरसठ है तो हम लिख सकते हैं सेवन बाई इंटू नाइन प्लस क्या है वन बाई नाइन इंटू इलेवन, फिर क्या है वन बाई इलेवन इंटू थर्टी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस चीज़ को इस रूप में लिख सकते हैं, ध्यान दें, ध्यान देना है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तब देख रहे हैं हमें एक पैटर्न दिख गया, क्या दिख गया कि जहाँ से ये खत्म हुआ वहीं से क्या हो गया शुरू हो गया, फिर जहाँ ये खत्म हो रहा है वहीं क्या रहा है शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है शुरू हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं फर्स्ट टर्म माइनस क्या करते हैं लास्ट टर्म पहला पद माइनस अंतिम पद, फिर क्या करते हैं पदों का अंतर करते हैं, तो पदों का अंतर कितना है दो का है, यही है ना, अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा तेरह एलसीएम आएगा, सॉरी थर्टी नाइन होगा ऊपर एलसीएम, ठीक है, ये दो हमारा ये इसके साथ चला जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये दो आ जाएगा तो दो यहाँ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया पहले ही, अब देखिए ध्यान देंगे अब इसको सोल्व करेंगे क्या जाएगा तेरह में से दो गया दस हो गया, क्या जाएगा इसको काटेंगे पाँच बार में कटेगा, मतलब क्या जाएगा फाइव बाई थर्टी नाइन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ, हम लोग कैसे किए, यहाँ किसी को कोई दिक्कत समझने में, हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म किया और y डिफरेंस ऑफ टर्म किया, क्यों किया, हमें यहाँ पैटर्न दिख गया, पैटर्न क्या दिख गया जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है वो नंबर, तो इसी तरह के हम क्वेश्चन को हम लोग ये तरीके से कर सकते हैं, जब इस तरह के हो हमें पैटर्न बनाना है, ध्यान देना है ये नंबर हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे इसको पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे, पैटर्न जैसे ही हमें मिल जाएगा आसान हो जाएगा बनाने में, ठीक है, आगे चलते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखिए ये भी आपको पैटर्न कहीं दिख रहा होगा, ठीक है, पैटर्न क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, पैटर्न हमको बैठाना है, क्या क्यों बैठाएंगे, क्योंकि ये हमारे इसको सोल्व करेंगे एलसीएम निकालेंगे काफ़ी लेंदी हो जाएगा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे तो उसी तरह से यहाँ देखेंगे एक बटा तीस है, एक बटा तीस को हम लिख सकते हैं एक बटा पाँच गुना छः लिख सकते हैं, फिर क्या है बयालीस है तो एक बटा छः गुना सात, फिर क्या है छप्पन है तो सात गुना आठ, फिर क्या है बहत्तर है तो आठ गुना नौ, ठीक है, फिर क्या है नौ गुना दस, फिर क्या है प्लस वन बाई दस गुना ग्यारह, है कि नहीं है, यही है ना, एग्जाम में हमेशा इसी तरह के पैटर्न में ही रहते हैं, हमें पैटर्न देखना है, ठीक है, पैटर्न खोजना है, पैटर्न क्या है तो ध्यान देंगे पैटर्न हमें मिल गया, क्या मिल गया कि जहाँ खत्म हो रहे हैं वहीं से शुरू हो रहा है, जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है,
और डिफरेंस कितना का है, एक का है, क्या कर देते हैं फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, भाई क्या करते हैं पदों का अंतर करते हैं, उसको सॉल्व कर देंगे, क्या जाएगा एलसीएम 55 हो जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा 6 हो जाएगा, 6 भाई 55 हो गया, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, समझ में आया, जिनको जिनको भी नहीं समझ में आया हो तो वो हमें बोल सकते हैं कमेंट के जरिए, आप हमें बता सकते हैं कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी को समस्या तो आप हमें बोल सकते हैं, आगे चलते हैं, किसी को नहीं है तो ठीक है, आगे देखें, आगे आगे क्या आप कि आप देख रहे हैं अरेंज दिस इनटू असेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन आगे क्या हो रहा है कि ये जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं 4/5 7/8 6/7 5/6 ये क्या है हमारा, इसको क्या बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, हमारा अगला टाइप आ गया, टाइप हमारा चेंज हो गया, ठीक है, अब ध्यान देंगे इसको समझने से पहले, इसको बनाने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा, हम लोग पहले उसको देखेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में बोल रहा है, ठीक है, कई बड़े छोटे निकालने के लिए, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया गया हो, ठीक है, हमने लिख दिया क्या 3/4, ठीक है, एक ने हमने लिख दिया 7/6, ठीक है, इस कंडीशन में ध्यान देना है, जब भी कोई अगर मान लीजिए दो फ्रैक्शन दिया हो, क्या दिया हो दो फ्रैक्शन दिया हो, ध्यान देना है, जब भी क्या दिया हो दो फ्रैक्शन दिया हुआ, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम लोग पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करेंगे यहाँ से 6 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 18 हो गया ये, फिर इस तरह से 4 को 7 से गुना किए क्या हो गया 28 हो गया, तब बताएंगे कौन बड़ा है, पता चलेगा ये बड़ा है, ये हमारा क्या हो गया छोटा हो गया, जब भी दो तरह दो नंबर हो दो फ्रैक्शन हो तब इस तरह के कंडीशन में ये करेंगे, जैसे हमने लिख दिया क्या 3/5, ठीक है, फिर क्या लिख दिया 8/11, अब क्या बोल रहा है कि इसमें बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर हम क्या करते हैं इस तरह की कंडीशन जब भी बोलेगा तो हम क्या करेंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जब भी दो नंबर रहे अगर दो नंबर में बड़ा या छोटा निकालना हो सबसे आसान क्या है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 11 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, फिर जैसे 8 को 5 में करेंगे क्या जाएगा 40 हो जाएगा, अब बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये हमारा क्या हो गया ये वाले पार्ट हमारा छोटा हो गया, ये वाले पार्ट हमारा क्या हो गया बड़ा हो गया, ठीक है, समझ में आया, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हम मतलब हर किसी में लागू कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया दो से ज़्यादा नंबर भी रह सकते हैं क्या 3/5 5/7, ठीक है, फिर हमने क्या लिख दिया 7/9 ये लिख दिया, इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं ध्यान देना है, जैसे ही दिख गया हमने इस तरह के क्वेश्चन तो क्या करेंगे हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे वो देखेंगे ध्यान देंगे, फिर क्या करेंगे ये दोनों में चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, क्या करते हैं बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया ये बड़ा हो गया हमारा, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया ये सबसे बड़ा हो गया, अब ध्यान दे रहे ये बड़ा हो गया, अब क्या करेंगे इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बड़े बड़े इसमें करेंगे क्योंकि हमें बड़ा निकालना है कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या जाएगा 9/5 45 हो गया ये हमारा, फिर क्या गया 47 49 हो गया, अब ध्यान देंगे ये दोनों क्या हो गया सबसे बड़ा ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है, उधर से अगर सबसे छोटा बोला जाता तो हम लोग सबसे छोटा से देखते, ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं क्योंकि पहले पहले ये दोनों देखते हैं चेक करते हैं ये दोनों देखते हैं छोटा कौन सा ये है, ये छोटा था हमारा तो ये छोटा में अब था तो इससे फिर हम लोग इसमें करते, समझ में एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या है ध्यान देना है, एक तो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अलग तरीका देखते हैं, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मार दिया गया ध्यान देना है, ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है जो अंश और हर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है ध्यान दें यहाँ कितने का है दो का अंतर है, कितने का अंतर है दो का है, कितने का अंतर है दो का है, ध्यान देंगे जब भी कोई फ्रैक्शन दिया गया और उसका अंतर ध्यान देना है अंतर क्या हो सेम हो, अंतर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा जो हमारे न्यूमरेटर में जो नंबर छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा और जो बड़ा होगा न्यूमरेटर में वो हो जाएगा क्या बड़ा हो जाएगा, ध्यान देना है डिफरेंस सेम आए तो जो न्यूमरेटर में छोटा होगा
जो अंश में छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, जो हर में छोटा होगा वो, सॉरी, जो हर में बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो अंश में बड़ा हर सॉरी जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में? इसी ढंग से आगे देखें, ताकि हमारा क्वेश्चन है इस ढंग से ये बताना है, इसमें बताना है कि हम लोग इसको अरेंज कैसे करें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम अरेंज करेंगे, ध्यान देना है। जब भी हमें क्या दिख जाए, फ्रैक्शन दिख गया, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, हम लोग को शॉर्ट तरीका वो है। चाहे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, पहले इसको इसके से करें, फिर इससे इससे करें, ये हमारा काफ़ी टाइम चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बाद क्या ट्राई करेंगे कि डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, एक आएगा। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, एक आएगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी जैसे ही क्या आ जाए, डिफरेंस सेम हो जाए, तो क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो छोटा हो जाता है। तो हमारा क्या है, सबसे छोटा ही है, तो हमारा सबसे पहले ये क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, उससे बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा ये होगा हमारा, होगा। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। ये मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में। ठीक है, समझ में? कि कैसे हम लोगों ने आरोही क्रम में इसे अरेंज कर दिया। अब ध्यान देना है, इस तरह कंडीशन, मतलब इस तरह क्वेश्चन क्या था कि जब न्यूमरेटर छोटा हो, ध्यान देना है, जब न्यूमरेटर छोटा था तो हम लोगों ने ये कंडीशन लगाया। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा न्यूमरेटर छोटा हो, जो हमारा अंश है वो छोटा हो सकता है कभी कभी क्या कि अंश हमारा बड़ा हो जाए। ध्यान देना, यहाँ क्या है, अंश बड़ा है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। क्या है, एक डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। जैसे ही डिफरेंस सेम आ जाए, फट से क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ सेम डिफरेंस आ गया था तो छोटा वाला क्या हो गया था, छोटा हो गया था, और बड़ा वाला क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। पर यहाँ हम लोग उस तरह से नहीं करेंगे, जैसे क्या हो गया, सेम हो गया डिफरेंस, तो सेम हो जाने के बाद क्या करेंगे, अब जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, ध्यान देंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। इसमें क्या हो जाता है, पलट जाता है, उलट जाता है। ठीक है, समझना है, न्यूमरेटर छोटा था, अंश छोटा था, तो जो छोटा था वही छोटा रह जाता था, जो बड़ा रहता था वो बड़ा रह जाता था। पर अब जैसे ही क्या हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, ठीक है ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा नंबर रहेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 12/11 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कैसे हम लोग निकालेंगे, कोई भी फ्रैक्शन हो, किसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोले या डिसेंडिंग ऑर्डर बोले, आरोही क्रम बोले, अवरोही क्रम बोले, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम लोग को बड़ा छोटा पता करना पड़ेगा, जैसे हम लोग को बड़ा छोटा पता चल जाएगा, हम लोग चाहे वो क्वेश्चन में जो भी बोले, असेंडिंग ऑर्डर बोले, डिसेंडिंग ऑर्डर बोले, हम लोग उसे सब निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या दिया गया है, 5/6, फिर क्या है, 3/5, फिर क्या है, 7/9 है। इसको भी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, देखेंगे कौन सबसे छोटा है, उसके बाद कौन बड़ा है, उसके बाद कौन बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर यही होता है ना, छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा। ठीक है, आगे चलेंगे, क्या बोल रहा है कि 5/6, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे, अंतर लेंगे। कितना का अंतर, एक का अंतर। यहाँ कितने का अंतर, दो का अंतर। यहाँ कितने का अंतर, दो का अंतर। अब ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, अब जैसे ही दिख गया, क्या दिख गया, डिफरेंस यहाँ सेम नहीं है, ये चीज़ है ना, डिफरेंस यहाँ जैसे ही दिख गया अलग अलग। उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, उस कंडीशन में हम लोग जो हमारे डिफरेंस का अंतर है, सॉरी, जो हमारे अंतर लिया था हमने, उसे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे दो दो एक का, तो क्या होगा, दो एलसीएम आएगा। तो दो एलसीएम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो बनाना है, तो दो बनाने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर में हम लोग दो से गुना कर देंगे, गुना करेंगे ना। तरह से अगर इसको एक बनाना, सॉरी, इसको दो बनाना है, तो दो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक से गुना करेंगे। तरह से ये दो बनाना है, इसको एक से ही गुना करेंगे, होगा कि नहीं होगा, समझना है इसको। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जैसे ही डिफरेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे ही नंबर हमारा क्या हो गया, डिफरेंट आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और उसको एलसीएम को बनाने की कोशिश करेंगे। इसको क्या करना था, हमें दो बनाना था, दो बनाने के लिए क्या करेंगे, दो से गुना करेंगे।
इसको क्या करना था, दो बनाना था, दो से बनाने के लिए क्या करेंगे, एक से गुना करेंगे। हमको क्या करना था, दो बनाना था, दो बनाने के लिए एक से गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, गुना किए इसको क्या लिख सकते हैं, गुना करेंगे उसको, क्या जाएगा दस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तीन हो जाएगा, ये क्या हो गया सात हो गया। अब ध्यान देंगे डिफरेंस हमारा सेम हो गया, डिफरेंस सेम होने जाने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा छोटा नंबर होता है वो हमारा सबसे छोटा हो जाता है, जो सबसे बड़ा होता है नंबर वो हमारा सबसे बड़ा हो जाता है। सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, तीन बाई फाइव हो गया, इससे बड़ा नंबर कौन हो गया, सेवन बाई नाइन हो गया, उससे बड़ा नंबर कौन हो गया, फाइव बाई सिक्स हो गया। समझ में है कि कैसे है हम लोगों ने इसे किया है, ठीक है। जैसे डिफरेंस डिफरेंस अलग अलग हो जाए, जो भी हम लोगों ने इससे माइनस किया था डिफरेंस अगर अलग अलग हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इस तरह से अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आगे देखा जाए तो बोल रहा है कि फाइंड ग्रेटेस्ट, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रैक्शन दिया गया है जिसमें सबसे बड़े नंबर को निकालना है, सबसे बड़े नंबर कौन सा होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, फटाफट उसी तरह से हम निकालना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, क्या आ जाएगा फाइव, यहाँ क्या हो जाएगा दो, यहाँ क्या हो जाएगा एक, क्या क्या हो जाएगा एक। अब देख रहे हैं क्या, यहाँ आया फाइव डिफरेंस, यहाँ दो आया, यहाँ एक आया, यहाँ एक आया, ठीक है। उस कंडीशन में अब हम लोग क्या करते हैं, फिर इसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे अब एलसीएम ही लेंगे ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेना तुरंत शुरू कर देंगे। एलसीएम में क्या होगा, पाँच दो एक एक का क्या होगा दस होगा, दस आएगा एलसीएम, दस एलसीएम आया, क्या करते हैं उसको हमको दस बनाना है। दस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें दो से गुना करेंगे, इसमें क्या करेंगे पाँच से गुना करेंगे, ठीक है। ध्यान देना है, दस बनाना था हमें, इसमें क्या करना है दस से गुना करना है, इसमें क्या करना है दस से गुना करना है, तो क्या बन जाएगा हमारा, चार हो गया, ये हो गया पाँच हो गया, पचास हो गया, ये क्या हो जाएगा तीस हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। जो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा जिससे हमारा चार था, सबसे छोटा मतलब ये सबसे छोटा हो गया, पर हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ा निकालना है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये पचास, तो पचास किसका वाला था, ये वाला था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाँच बाई छः हो जाएगा, क्या हमारा पाँच बाई छः सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ढंग से आगे देखेंगे, आगे चलेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, मतलब आरोही क्रम में इसे सजाइए, ठीक है। यहाँ दिख रहा है क्या, कुछ माइनस में है तो कुछ प्लस में है, दिख रहा है कुछ नंबर माइनस में दिया गया है तो कुछ नंबर प्लस में दिया गया। अब ध्यान देंगे माइनस वाले पर, ध्यान देंगे क्योंकि प्लस वाले तो हमेशा बड़े होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, माइनस वाले क्या होते हैं हमेशा छोटे होंगे, होंगे। ये माइनस दो गो है, ये प्लस वाले दो गो है, तो ये क्या होगा, ये दोनों क्या होगा हमेशा छोटा होगा, और ये दोनों क्या होगा हमेशा ये दोनों से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देंगे, जैसे ही दो नंबर आ जाता है, हम लोग दो फ्रैक्शन में देखा था, जैसे ही दो फ्रैक्शन आते हैं उसे बड़े छोटे करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना करेंगे क्या होगा सोलह, ये माइनस सोलह हो गया, गुना करेंगे क्या जाएगा माइनस तिरसठ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा ये सोलह, ये क्या जाएगा तिरसठ। जैसे माइनस में रहते हैं तो क्या होता है, जो माइनस में नंबर रहते हैं जो बड़ा रहता है वो छोटा रहता है, क्या यहाँ माइनस तिरसठ और क्या था आठ दूनी सोलह था, ठीक है। तो देखा जाए तो ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो बड़ा नंबर ये वाला ही होते हैं हमारे, होगा कि नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा छोटा नंबर हो जाएगा। क्यों होते हैं कि माइनस में छोटा, जो छोटा रहता है वो बड़ा जाता है, बड़ा रहता है वो छोटा हो जाता है माइनस में। तो देखेंगे तो बड़ा कौन सा है, बड़ा या सोलह वाला ये था हमारा बड़ा है, ठीक है, ये हमारा छोटा है, तो मतलब क्या आ गया, सबसे पहले ये सात बटा आठ आएगा माइनस, फिर क्या आएगा माइनस दो बटा नौ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये दोनों हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये दोनों में देखना है, ये दोनों में देखना है ना, अब ये दोनों फिर देखेंगे, फिर उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बारह चौक अड़तालीस, पाँच तिहाई पंद्रह, अब देखेंगे पंद्रह हो गया, ये अड़तालीस हो गया, तो बड़ा कौन है, ये हमारा अड़तालीस हो गया, ये हो गया हमारा पंद्रह, तो छोटा कौन है, ये हमारा छोटा है, ठीक है। कितना हो जाएगा पाँच बटा बारह, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा चार बटा तीन, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन तो आप हमें बोल सकते हैं, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया हो तो। जैसे क्या था, माइनस वाले था, माइनस वाले को पहले हम लोग कर लिया, क्योंकि प्लस वाले हमेशा बड़े रहेंगे, माइनस वाले हमेशा क्या होंगे छोटा होगा,
ठीक है। तो माइनस वाले को हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया, हम लोगों ने पढ़ा है कि दो को कैसे सॉल्व करना, जैसे ही दो फ्रैक्शन दिख जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फटाफट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है, यहाँ ध्यान देंगे ये क्वेश्चन हमारे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से सही है, देखेंगे। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, 2/3, क्या है 3/5, क्या 11/15, क्या क्या दिया गया है, 2/3, 3/5, 11/15, यही दिया गया है। अब ध्यान देंगे इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, फटाफट क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे क्या जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही होगा ना, 1 2 4, होगा कि नहीं होगा, अंतर हो गया। अब जैसे ही अंतर निकल जाता था तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद फटाफट बताइए क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे क्या जाएगा, 1 2 4 का क्या आएगा, 4 आ जाएगा। मतलब 1 को हमको 4 बनाना है, मतलब कि 4 से गुना करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा 1 से, मतलब क्या आ गया ये 8 6 11। अब देखेंगे क्या इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ध्यान देंगे ये वाली है 3/5, उससे बड़ा कौन है 2/3, ठीक है, उससे बड़ा कौन है 11/15, इसको चेक करेंगे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है कि नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में कैसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि 63/75, ठीक है, फिर 83/89, फिर क्या है 73/91, 67/79 दिया गया है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। जैसे ही हमें इस तरह क्वेश्चन दिख जाए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट क्या करेंगे, अंतर लेना शुरू करेंगे। अंतर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 12, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 18, यहाँ कितना आएगा अंतर लेंगे तो 12, ठीक है, होगा 12 6 18 12, आ गया। क्या कर देंगे इसका सीधा सीधी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 36 आ जाएगा, मतलब 36 करना है, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा 6 से गुना करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, गुना कर दिए, अब इसको क्या करेंगे, गुना करने के बाद क्या आएगा, ये 3 9 हो जाएगा, 6 18 हो गया, ये गुना करेंगे 6 18 48 क्या हो जाएगा, 3 2 6 7 2 14 क्या हो जाएगा 27 21 और 6 20। ठीक है, अब बोल रहा है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाली हमारा सबसे छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सबसे बड़ा बोलेगा तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग फिर अरेंज भी कर सकते हैं छोटे से बड़े, बड़े से छोटे में। ठीक है, तो समझ में है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कन्फ्यूजन तो आप हमें बोल सकते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है, इसे क्या करना है सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो क्या दिया गया है क्वेश्चन, 4/5 7/8 6/7 5/6 दिया गया है, फटाफट इसको सोल्व करते हैं। करेंगे क्या करेंगे, अंतर देखेंगे, अंतर क्या है एक का, सब जगह है सब सेम है, अंतर क्या है एक एक है, जैसे ही अंतर सेम होता है तो क्या होता है हमारा न्यूमरेटर जो होगा जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्या करना था, एसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सजाना है, मतलब आरोही क्रम में सजाना है, सजाएंगे इसको, सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा 4/5, कहाँ गया 4/5, ये ध्यान देना है 5/6 6/7 7/8, ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, इसी रूप में सज जाएगा। ठीक है, समझ में कैसे सज गया,